झारखंड में सबसे बड़ी कारोबार की थोक मंडी रांची का अपर बाजार इन दिनों सुर्खियों में है। 400 से ज्यादा छोटी बड़ी गलियों वाले अपर बाजार की पहचान महज रांची नगर निगम की कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि दिल्ली के चांदनी चौक की तरह ही इसके कारोबार का इतिहास करीब 200 साल पुराना है। देखिए रांची के अपर बाजार की गलियों में इतिहास को टटोलती न्यूज 18 के स्पेशल रिपोर्ट को। रांची का अपर बाजार इन दिनों अतिक्रमण को लेकर सुर्खियों में है, लेकिन अपर बाजार की कहानी महज अतिक्रमण तक ही सीमित नहीं, बल्कि कहानी इससे कहीं ज्यादा है। आपको दिखलाते हैं कि अपर बाजार में कारोबार का इतिहास क्या है। झारखंड की सबसे बड़ी थोक मंडी रांची का अपर बाजार पिछले कुछ दिनों से लगातार रांची नगर निगम के निशाने पर है, लेकिन करोड़ों अरबों का कारोबार करने वाला रांची के अपर बाजार का इतिहास महज नगर निगम की कार्रवाई तक सिमटा नहीं है, बल्कि 200 साल पुराने इस बाजार में अंग्रेजों के घोड़े के टाप की आवाज भी दबी है और बाहर से आने वाले कारोबारियों के पद चिन्हों के निशान भी। रांची में मारवाड़ियों का आगमन, जो कि मुख्यतः व्यापारी ही थे, लगभग 150 से 200 साल के पहले हुआ, और वो लोगों को जब रांची आना होता था तो चूंकि रांची में रेल लाइन नहीं थी, कलकत्ते से हमें या राजस्थान तरफ से आते थे, तो वो लोग मुरी स्टेशन पर उतरा करते थे और मुरी से फुसफुस गाड़ी से रांची आया करते थे। फुसफुस गाड़ी क्या है सर? फुसफुस गाड़ी में कोयला डाल करके, और जैसे बस के फॉर्म में होती थी, बस वाली होती थी, लेकिन वो कोयले से चला करते थे, और कोयले का जो पाइप धुआं निकलने के लिए उसका पाइप लगा हुआ होता था पीछे में। ये तो वैसी बस तो मेरी देखी हुई। गुंडों ने अपर बाजार को लूटने का प्लान बनाया और हजारों की संख्या में वो अपर बाजार को लूटने के लिए गांधी चौक से होते हुए सुनार गली में घुसे, और उस वक्त के प्रमुख अखबार रांची एक्सप्रेस के मालिक सीताराम जी मारू को पता चला तो सारे अखबार के लोगों को लेते हुए, पूरे समाज के लोगों को लेते हुए हजारों की संख्या में वहाँ पर गांधी चौक इलाके पर पहुंचकर उन्होंने सबको खदेड़ कर भगाया। करीब 400 से ज्यादा गलियों वाले अपर बाजार का विस्तार 200 साल पहले रांची के शहीद चौक से लेकर रातू रोड के कब्रिस्तान तक होता था। उस समय अपर बाजार ऊपर बाजार के नाम से जाना जाता था और इस बाजार में उस समय करीब 150 दुकानें हुआ करती थी। उस समय अंग्रेज अपनी जरूरत का सामान और टैक्स वसूलने के लिए अपर बाजार की गलियों में घोड़े से आया करते थे। दरअसल करीब 100 साल पहले रांची जिला नहीं था और उस समय लोहरदगा जिला हुआ करता था। देखिए रांची में मुख्यतः सामान कलकत्ता मार्केट से आया करता था, कलकत्ते से आता था, कुछ माल कुछ समय में दिल्ली तरफ से भी आता था, और यह माल सारे, ये तो स्वाभाविक है कि मारवाड़ी से भी सारे सारे व्यवसाय पे लगे हुए थे, उन्हीं लोगों के द्वारा लाया जाता था। उस समय कोई कच्चा पक्का कुछ नहीं होता था, सब चीज़ पक्का होता था, कोई सेल टैक्स का चोरी नहीं, कोई इनकम टैक्स का चोरी नहीं, सब चीज़ सही होता था, ईमानदारी से काम होता था। 100 साल पहले तो अपना छोटा सा होता था, लेकिन तब भी गलियों का जाल बिछा हुआ था और छोटी छोटी बहुत सारी गलियां थी, लंगरेज गली, नीलरतन स्ट्रीट, अपन जे रोड, वेस्ट मार्केट, ईस्ट मार्केट रोड वगैरह, ये तो मेन गलियों के साथ साथ बाई लेन, अलग अलग मकानों में घुसने के लिए छोटे छोटे लेन, बजाज गली है तो ये इनकी गली है, बुधिया गली है, इस तरह से नाम से भी बहुत छोटी छोटी गलियाँ हुआ करती थी। सिर्फ कारोबार ही नहीं बल्कि आजादी की लड़ाई में भी रांची के अपर बाजार का एक बड़ा योगदान रहा है। 1913 में महात्मा गांधी, जमनालाल बजाज और राम मनोहर लोहिया के आह्वान पर रांची और कोलकाता में आर्थिक योगदान के लिए मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी की स्थापना की गई थी। 200 साल पहले यहां कारोबार को लेकर मारवाड़ियों ने ही अपर बाजार को अपना ठिकाना बनाया था। अपर बाजार की सबसे पुरानी गलियों में बूचड़ गली हुआ करती थी, जो बाद में बूचड़ों के हट जाने के बाद उसका नामकरण भगवत साहू लेन पर किया गया।
उसके बाद सोनार पट्टी, रंगरेज गली और जे रोड भी करीब 200 साल पुरानी गलियां हैं। गाड़ियां पहले तो नाम की थी, कुछ धनाढ्य लोगों के पास ही कुछ गाड़ियां होती थी, बाद बाकी सब साइकिल और रिक्शा, इसके सिवाय कोई साधन नहीं था। ट्रक स्टैंड हुआ करता था ये, लेकिन आज दुकानें खुल गई हैं, सब बंद हो गया। बरगद का पेड़ यहाँ हुआ करता था, पूजा होती थी। जब अंग्रेज के शासन में अंग्रेज के लोग उनके टैक्स कलेक्टर या किसी भी रूप में वो लोग घोड़े पर आते थे, तो उनका जो टैक्स या जो सामान होता था, हम लोग सम्मान उनको वहाँ पर सुपुर्द कर दिया। रांची में सबसे पुरानी जेल अपर बाजार के बेस्ट मार्केट में ही बनाई गई थी। उस समय कैदियों को इसी जेल में रखा जाता था, लेकिन आज जेल की उस जगह पर कारोबारियों की दुकानें हैं। कारोबारी बताते हैं कि उस दौर में व्यापार में लिखा पढ़ी नहीं होती थी, बल्कि सब कुछ जुबानी और भरोसे पर चलता था। भूखंड रांची के लिए धरोहर है। ये जमीन में पहले जेल हुआ करता था, और बाद में इसको श्री ताराचंद अरोड़ा ने खरीद लिया, जो महावीर मंडल के 20 वर्ष तक सचिव रहे। बाद में उन्होंने इसको अपना कमर्शियल कर दिया। ये दौड़ती भागती सड़कें रांची के अपर बाजार का वर्तमान है, तो ये तस्वीरें रांची के अपर बाजार का इतिहास। आज जब मैंने तस्वीरों को देखकर इतिहास को आवाज़ देने की कोशिश की, तो कोई भी तस्वीरों से बाहर निकलने को तैयार ना हुआ। कहा कि इस अपर बाजार में जो हल्ला हंगामा मचा है, मुझे बाहर आने की ज़रूरत नहीं, मैं जहाँ हूँ खुश हूँ, प्रसन्न हूँ। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची।